दोस्तों, ये मेरा फ़ोन जो है Redmi का MI Max 2 है, और अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये रिकॉर्डिंग किया गया है इसके अपडेटेड वर्जन MIUI 9 के प्लेटफॉर्म से। तो इसे मेरे रीजन में ये भी मिल चुका है, आज ही मैंने इसे अपग्रेड किया है। तो मैंने इसे कैसे अपग्रेड किया, क्या प्रोसीजर अपनाया, क्या क्या चरण इसमें आए, और डाटा बैकअप वगैरह कैसे लिया, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में आगे देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था आपको कि MIUI 9 के अपडेट अभी धीरे धीरे से डिवाइसेज को मिल रहे हैं, तो आज यानी 8 नवंबर को मैं अपने इस डिवाइस में चेक करने जा रहा हूँ कि अभी ये मुझे मिला है कि नहीं मिला, क्योंकि मुझे जानकारी मिली है कि मेरे रीजन में ये रोल आउट हो चुका है। तो हम इसे देखते हैं, जाते हैं अपने टूल्स में, टूल्स से अपडेटर में, और ये चेक कर रहा है। और जी हाँ, ये देखिए MIUI 9 का अपडेट मुझे मिल चुका है। तो अब इसे मैं अपने मोबाइल में अपडेट करूँगा, लेकिन अपडेट करने के पहले इसे देखता हूँ, बताता हूँ कि आपको इसमें क्या क्या फीचर मिल रहे हैं। तो हाईलाइट में लिखा है कि स्विच फॉर टर्निंग बैटरी सेवर ऑटोमेटिकली वेन चार्ज कहता है। तो ये फीचर तो शायद पहले भी था कि चार्ज होने के बाद जो भी आपका बैटरी सेवर फीचर है वो ऑटोमेटिकली जो है नॉर्मल मोड में आ ही जाता था। दूसरा है न्यू डिस्प्ले फॉर्मेट फॉर अपडेट लॉक सीन अपडेटर, अपडेटर में आपको नया लुक मिलेगा, नया फॉर्मेट मिलेगा। न्यू स्क्रैच फॉर ऐप इन ड्यूल ऐप सेटिंग, ड्यूल ऐप से जो है यानी डबल ऐप, किसी भी ऐप को आप दो दो यूज जो कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप जनरली जो है कई लोग चाहते हैं डबल अकाउंट बनाने के लिए, फेसबुक का डबल अकाउंट बनाने के लिए। तो इसके लिए इसमें दो तरीका का फीचर है, एक तो ड्यूल ऐप का फीचर है और दूसरा ड्यूल स्पेस या पैरेलल स्पेस का फीचर है। तो पैरेलल स्पेस से भी वो आपको डबल फीचर मिल जाता था, लेकिन बहुत से लोग पैरेलल स्पेस का फीचर ना यूज़ करके ड्यूल ऐप चाहते थे, तो वो भी इसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा। माइजेशन में रिडिजाइंड होम पेज रिडिजाइन किया है, डिवाइस विथ रेयर ब्लूटूथ प्रोफाइल आर हिडन इन द डिवाइस, ये ऑप्टिमाइजेशन है। फिर सिंप्लीफाइड एंड इम्प्रूव द डिजाइन ऑफ द वायरस स्कैन रिजल्ट, जो वायरस स्कैन रिजल्ट है उसको इम्प्रूव किया गया है। एक दरअसल ये वायरस स्कैन मैंने अभी तक लेने के बाद अपने मोबाइल में किया ही नहीं है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उसके बारे में भी मैं ज़्यादा अभी बता नहीं पाऊँगा कि उसमें क्या डिजाइनिंग किया गया है। सिस्टम में जो ऑप्टिमाइजेशन है वो आपका है ये ग्रेजुअल रिंगटोन जो है उसका एडजस्टमेंट भी किया गया है, यानी जो रिंगटोन कॉल आने के बाद अब ग्रेजुअल सेट करते तो धीरे धीरे आपका बढ़ता है, तो उसमें एडजस्टमेंट कुछ किया गया है। फिर MIUI 9 के पेज में ऑप्टिमाइजेशन है, विजेट एडजस्टमेंट है। ये अगला कह रहा है फिक्स्ड इशू विथ वोल्टी कॉल्स एंड ईयरफोन्स, यानी वोल्टी कॉल्स जो है उसमें ईयरफोन्स के साथ ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो, जैसा मैंने भी फील किया था इसका। वोल्टी कॉल जो मैं करता हूँ उसकी आवाज़ थोड़ी सी हॉलिंग टाइप की, रिपीटेड टाइप की, थोड़ा नॉइजी टाइप की आती है, तो ये शायद उसको फिक्स किया है। नेटवर्क कनेक्शन इशू आफ्टर रिबूट बोल रहा है फिक्स किया गया है, लेकिन मेरे साथ तो कभी प्रॉब्लम आई नहीं इस फ़ोन में, इसलिए उसका भी नहीं बोला जा सकता। क्लीनिंग कैश ऑन द होम स्क्रीन फोर्स क्लोज्ड, ठीक है। फोन में कॉल रिकॉर्डिंग वेयर्स शोन विदाउट नेम्स, ये जो है कॉल का रिकॉर्डिंग जो है जो बिना नाम का जो किया जाता था रिकॉर्डिंग, जो ये मैंने भी देखा है केवल टाइम वगैरह आता था, तो उसको जो बग है उसको फिक्स किया गया है। ऐप लॉक का कुछ है, कॉन्टैक्ट का में भी ऑप्टिमाइज किया गया है, मैसेजिंग में ऑप्टिमाइज किया गया है। थीम्स को भी रीडिजाइन किया गया है, कैमरा लैंग्वेज एंड सपोर्ट इशू फिक्स किया गया है। फिर रीडिजाइंड फीडबैक, न्यू शॉर्टकट फॉर स्प्लिट स्क्रीन, ये सब किया गया है कैमरा में। लेकिन कैमरा में जैसा कि मैंने पीछे पहले भी बताया था, इसकी रिकॉर्डिंग जो है आपका वोकल साउंड जो है वो नॉइजी टाइप की आती है, कुछ टोन्स टाइप के वो आते हैं, पिच वगैरह ढंग की नहीं है, तो उसके बारे में तो कुछ नहीं लिख रहा है।
सेटिंग में भी ऑप्टिमाइज किया गया है, सिक्योरिटी में भी ऑप्टिमाइज किया गया है। स्कैनर जो है, स्कैनर कुड वर्क नॉर्मली, स्कैनर तो नॉर्मली तो वर्क पहले भी करता था, हो सकता है बेटा वर्जन में कुछ प्रॉब्लम थी। फिर जो सिक्योरिटी में सिंप्लीफाइड एंड इम्प्रूव्ड द डिजाइन ऑफ द वायरस स्कैन, ये तो वायरस स्कैन का ऊपर लिखा ही था, तो ये किया गया है। तो इसको मैं अपडेट करता हूँ, अपडेट के लिए ये दिखा रहा है कि 536 MB का है, ये जो है MIUI वर्जन 9.0.1.0 है, कुछ को 2.0 भी मिला है, कुछ को 3.0 भी मिला है, उस सेट के अनुसार है। तो इसमें मुझे 9.0.1.0 है, तो इसे पहले मैं डाउनलोड करता हूँ, फिर डाउनलोड करने के बाद ये जब सेट चालू होगा तो उसके बाद मैं आगे की बातें करूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं कि अपग्रेड जो है डाउनलोड हो गया है, नीचे ऑप्शन आ रहा है बाद में अपडेट करें या अभी रिबूट करें। बाद में अपडेट करें करते हैं तो आपका ये सेव रहेगा, इसमें बाद में कभी भी अपडेट कर सकते हैं। अभी रिबूट कीजिएगा तो ये इसका मतलब है ये अभी रिबूट करेगा और अपडेट करना शुरू कर देगा अपना रिकवरी मोड में। तो मुझे तो अभी रिबूट करना है, लेकिन रिबूट करने के पहले एक बार कहूँगा कि आपका कोई भी इसेंशियल डाटा हो, कोई भी ऐसा डाटा हो जिसके लॉस होने से आपको नुकसान हो सकता है, काफ़ी घाटा झेलना पड़ सकता है, उन सारी चीज़ों का बैकअप ले लीजिए और किसी सेफ जगह के, मोबाइल के बाहर, ऐसा नहीं तो मोबाइल, मोबाइल के बाहर कहीं भी सेफ जगह पर इसका बैकअप लेकर रख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको नुकसान नहीं होगा। तो मेरे मोबाइल में कोई ऐसा डाटा नहीं है जिसका लॉस होने से मुझे नुकसान हो, तो मैं अभी इसको रिबूट करता हूँ। वैसे जनरली अपग्रेड या अपडेट करने में आप इस तरीका से अपडेट करते हो ओटा के जरिए, तो कभी भी डाटा का लॉस नहीं होता है, लेकिन किस्मत ख़राब रहती है तो कुछ भी हो सकता है, उठ पे भी कुत्ता काट लेता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी किस्मत ठीक ही हो सकता है 1000 में 1 व्यक्ति आप ही हो जिसकी किस्मत ख़राब हो। तो सेफ्टी जरूरी चीज़ है। तो डाटा जो भी इसेंशियल आपका डाटा है जो लॉस नहीं होना चाहिए, वैसे डाटा को सेव कर लीजिए। तो अब मैं इसे रिबूट करता हूँ। तो दोस्तों, ये जो है हमारा MIUI 9 में अपडेट हो चुका है। ये रिबूट करने के बाद करीब 10 से 15 मिनट के टाइम लगे, उसके बीच इसने अपना प्रोसेस किया और उसके बाद ये हमारा सेट स्टार्ट हुआ है। ये हमारा उसका पहला लुक है। पहले लुक में ही एक चीज़ तो मुझे फिक्स्ड नज़र आ रही है, ये टाइम के बगल में जो आपको खिली धूप 88 डिग्री फॉरेनहाइट लिखा हुआ आ रहा है, ये यानी कि मौसम का हाल बता रहा है। ये पहले नहीं आता था, पहले मैंने काफ़ी कोशिश की थी ऑन करने के लिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम थी, वो नहीं आ रहा था, ये आ गया है। यानी एक चीज़ तो अपने आप ये फिक्स हो चुकी है, और दूसरा चीज़ डाटा का वगैरह जो है, ये पूरा कॉल रिकॉर्ड मेरे हैं, इसका मतलब किसी तरीका का कोई डाटा लॉस नहीं हुआ है। और ये जैसा फास्ट भी एनिमेशन चेंज हुए हैं और ये फास्ट भी काम कर रहा है, ये निश्चित ही एकदम सही है कि ये पिछले MIUI 8 से फास्ट ये काम कर रहा है। तो इसका देखते हैं अबाउट में जाकर कि क्या चेंजिंग हुए हैं। अबाउट फ़ोन में जाते हैं, देखते हैं फ़ोन के बारे में। इसमें डिवाइस का नाम वगैरह तो वही है, ये आपका एंड्रॉयड सुरक्षा पैच इसमें 1.9.17 आ गया है, और MIUI संस्करण ये देखिए 9 स्टेबल 9.0.1.0 इसमें लिखा हुआ आ रहा है। और इसके बाद आपका एंड्रॉयड संस्करण जो एंड्रॉयड का है वो 7.1.1 इसमें दिया गया है। बाद अगर इसका अपडेटेड लुक देखें तो देखिए MIUI 9 का ये अपडेटेड लुक है आपका 9.0.1। तो इसके फीचर्स के बारे में मैं अगले किसी वीडियो में चर्चा करूँगा, इस वीडियो में आप यहाँ अपग्रेड करने तक ही सीमित है ये वीडियो। देखते हैं आप अगले वीडियो में कि इसमें क्या फीचर्स एक्स्ट्रा आए हैं, उनको किस तरीका से आप स्पेशली यूज कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो सबको यूज करता ही है, अगर आप स्पेशली किस ढंग से यूज करते हो वो कुछ मायने रखता है। मैं और अगर वीडियो को शेयर कर देते हैं तो और अच्छी बात है, आपके दोस्तों तक भी पहुँचेगा, लाइक कर दीजिएगा तो भी ठीक रहेगा, सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।